नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। और ये जो वीकेंड इंटरव्यू सीरीज हमने शुरू की थी, उसमें हमारी इस वक्त मेहमान हैं रचना यादव जी, जिनसे बातचीत का पहला हिस्सा आपने कल देखा था, आज बातचीत का दूसरा हिस्सा देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है कि अब जब एक परिपक्व कलाकार के तौर पर आप किसी अपने प्रोडक्शन के लिए विषय वस्तु के चुनाव के लिए सोचते हैं, जैसे आज अगर आप ये सोचें कि मुझे एक नया प्रोडक्शन तैयार करना है, तो दो चीजें हैं, उसकी जो विषय वस्तु है वो कैसे, उसमें क्या आपके दिमाग में रहता है, और दूसरा क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी विषय वस्तु दिमाग में आ जाए जिसमें अंदर से ये डर लगे कि नहीं यार ये कथक में कर ही नहीं पाएंगे, क्या कभी ऐसा भी हुआ है? हर बात है, कुछ होते हैं सेफ विषय, उनमें इतना डर नहीं होता है, कुछ होते हैं बहुत एक्सपेरिमेंटल विषय है, उसमें आप अंत तक जब तक स्टेज पे नहीं जाते आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है कि क्या ये वो बन पाया जो मैं सोचती थी। कोरियोग्राफी के जब मैं प्रोडक्शन के विषय के बारे में बात करूं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां भगवान देवी देवता रिलीजन थोड़ा दूर ही रहा है। मेरे पिता तो बिल्कुल आउट एंड आउट नास्तिक थे, मम्मी फिर भी थोड़ा एक दिवाली पे एक पूजा की रस्म कर ली, पर कभी मंदिर जाना या हमारे घर में कोई मंदिर की स्पेस हो वो सब नहीं था। तो मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ, अब वो वैसा ही माहौल मुझे मिला, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी बिलीफ्स या मेरा बिलीफ सिस्टम भी उसी तरह का है। तो बहुत माइथोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए जैसे कथक में टिपिकल माइथोलॉजिकल इश्यूज लेते हैं, मेरी माइथोलॉजी की नॉलेज उतनी डीप नहीं थी, तो मैंने माइथोलॉजिकल इश्यूज कभी नहीं लिए, बहुत कम बहुत कम। जब भी कोई एक टॉपिक का तो चुनाव का होता था जब बात आती थी, तो क्योंकि मेरा मेरा जो पूरा परिवेश था वो एक लिटरेरी, मैं लिटरेरी घर से हूँ, तो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की तरफ मैं आकर्षित होती थी। तो जैसे मेरा एक प्रोडक्शन रहा, और जैसा मैंने कहा कि मेरे जीवन में थ्रू आउट ये शायद मेरी माँ की कंडीशनिंग है या कि महिला को इंडिपेंडेंट होना, ये मेरे दिमाग में सारे एक बड़ी अंदर तक बैठा हुआ है। तो जो एक मेरा एक प्रोडक्शन था अधिकार, वो महादेवी वर्मा की कविताओं पर, मीरा की कविताओं पे, उस पे है पूरा। फिर एक मेरा प्रोडक्शन था स्वरा, और अचानक कोई मैं सोचती नहीं थी कि अच्छा अब मैं किस पे करूं, कुछ एक आइडिया आता था अचानक। स्वरा का आइडिया 2-3 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं और एक्चुअली कैसे हुआ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं एक दिन एक कॉफी किसी कैफे कॉफी डे या कहीं पर मैं बैठ के किसी की प्रतीक्षा कर रही थी, मुझे किसी से मिलना था, और वो व्यक्ति लेट था, तो मैं बैठ के लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी मेरे पास, और मैं यही देख रही थी कि कैसे आप बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि ये तो मित्र हैं, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, या ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, या पति पत्नी है, आप बिल्कुल पता चल जाता है कि बॉडी लैंग्वेज तो वो शुरू उसी से हुआ था कि वार्तालाप कॉन्वर्सेशंस, कि आप कैसे कॉन्वर्सेशंस अलग अलग कॉन्वर्सेशंस आपको अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में, वो ऐसे शुरू होते 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 फिर वो एक पॉइंट पे पहुंचा कि मेरे कॉन्वर्सेशंस मेरे साथ, और वो वहां आया। फिर उसके बाद वो आया कि जब मैं इस दुनिया में आती हूँ तो मैं कैसे अपना रास्ता बनाती हूँ, कि मैं लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोगों से हम मिले जब हम आए इस दुनिया में, बड़े हुए स्कूल में, वो छूट जाते हैं रिश्ते, कुछ रहते हैं कुछ छूट जाते हैं, पर कितने, अगर आप ही अपना जीवन देखें, पहले स्कूल से जब से आपको याद होगा, दूसरी तीसरी कक्षा से कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं, आप देखें कितने लोग आपको मिले होंगे, आपकी क्लास में 30-40 बच्चे होंगे वो आपके मित्र या जान पहचान होंगे, फिर वो हर सेक्शन में बदलते थे वो सारे, इतनी सारी टीचर्स, फिर कॉलेज, कितने मतलब आई थिंक हजारों लोग हम लोग मिले हैं, उसमें से कितने लोगों के साथ हमारा उस समय एक दौर आता है कि आप किसी एक के साथ बहुत थिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं, फिर अचानक खत्म हो छूट जाते हैं, आपको पता ही नहीं 10 साल हो गए कि वो व्यक्ति कहाँ है, जबकि इतने क्लोज थे कि आप हर चीज साथ करते थे, तो ये भी होता है। तो मैं यही सब कि कैसे आए रिश्ते, बने टूटे, कुछ रिश्ते रह गए, और फिर उस तरह से फिर मेरा अपना जीवन एज अ जैसे एक नारी के तौर पे मेरे जीवन में क्या क्या अलग अलग रंग आए। तो उसके पहले जब रिश्ते आपके बनते टूटते बनते, फिर आपका एक रिश्ता एक वो बन जाता है, एक कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड जैसे आपका बन गया, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके ऑफिस के कुलीग,
वो आपका एक फाइनल दायरा होता है जो आपको काफी अंत तक आपके साथ रहता है, मोनोटोनस हो जाता है, वही आप सवेरे उठे 9 बजे नाश्ता किया चले गए ऑफिस, वापस आए कुछ पढ़ लिया टीवी देख लिया सो गए फिर उठे, तो उस मोनोटनी को कैसे तोड़ा जाए, उसमें कैसे रंग भरे जाए, मशीन बन जाती है जिंदगी। तो इस तरह से कैसे मैंने अपने जीवन की मोनोटनी को तोड़ा, मैंने क्या क्या किया, और फिर अंत में आके देखते हैं कि नहीं आप एक्चुअली तो अपने साथ ही हैं, आपके से ये वो तो वो एक पूरा जो जर्नी है कि आप अपने साथ शुरू हुए और अपने साथ में ही खत्म हुए और बीच में आप किस किस से किस तरह आपने अपना राह बनाई, स्वराह उसके बारे में मेरी अपनी राह। फिर त्रिशंकु भी, त्रिशंकु कैसे शुरू हुआ था, त्रिशंकु पर बात करने से पहले एक काम करते हैं, स्वराह की थोड़ी झलकियां देख लेते हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था म्यूजिक को लेके, क्योंकि मुझे लगा मैं सुष्मित सेन है जिन्होंने इंडियन ओशन बैंड बनाया, बिल्कुल तो मैं वो मेरे एक मित्र हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनसे बात करूं, तो म्यूजिक उन्होंने किया और उनके साथ समीउल्लाह खान जो मेरे हमारे वोकलिस्ट हैं और मेरा अधिकतर म्यूजिक वो कंपोज करते हैं, तो उसके साथ समी का म्यूजिक। तो स्वराह की झलकियां देख लेते हैं। अच्छा, चूंकि अब ये बार बार जिक्र हो रहा है परिवार का रचना जी के, तो मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि रचना जी के पिता यानी राजेंद्र यादव जी और माँ यानी मन्नू भंडारी जी दोनों ही इस देश के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से रहे, जिनकी तमाम कृतियां ऐसी हैं जो लोगों को मतलब मैं कह सकता हूँ याद है और अभी तक रेफरेंस के तौर पर लोग उसको कोट करते हैं, चाहे वो आपका बंटी हो, महाभोज हो, तमाम ऐसी, और चाहे सारा आकाश हो, और हंस जो पत्रिका है उसको लंबे समय तक राजेंद्र जी ने चलाया और बहुत चुनौतियों के बीच चलाया, और राजेंद्र जी अपने मिजाज की वजह से और अपनी 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 तमाम खूबियों की वजह से जाने भी जाते थे, तो ये परिचय मुझे लगता था देना जरूरी है। अब आते हैं रचना जी इस बात पर जो आपने कहा कि त्रिशंकु, तो त्रिशंकु से पहले मैं ये समझना चाहूंगा, पर ये शायद आपको आपके बचपन में भी ले जाएगा, राजेंद्र यादव की बेटी होना, मनु भंडारी जी की बेटी होना, कैसे कैसे लोग घर में आते रहे होंगे, मतलब मेरी बड़ी दिलचस्पी है ये जानने में कि जब इन लोग के जो दोस्त रहे होंगे वो किस किस फील्ड के रहे होंगे और कितने दिग्गज रहे होंगे, थोड़ा सा उस बताइए कि कैसे लोगों से आपकी मुलाकात होती थी बचपन में। वो बताने से पहले ये बता दूं कि हंस अभी भी चल रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल चल रहा है हंस, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन नहीं 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 नहीं, 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 नहीं
हंस तो चल ही रहा है और हंस के साथ हम सबका बहुत मतलब हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि हंस में छपना बहुत प्रतिष्ठा का विषय था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जब मुझे पहली बार राजेंद्र जी ने छापा था हंस में, तो मुझे याद है मुझे ऐसा लगा था कि उस दिन ये स्टैंप लग गया कि हाँ मेरी साहित्यिक समझ थोड़ी बहुत है, तभी मुझे हंस में जगह मिली है, वरना हंस में राजेंद्र जी किसी के साथ कोई रियायत करते नहीं थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो खैर आते हैं। हाँ, मेरा बचपन और बच्चों से बेशक अलग रहा था, थोड़ा अलग रहा था, जो उस समय मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि अगर आप हमारे घर का माहौल देखें तो हमारे घर में चारों तरफ किताबें होती थी। और ये भी बात मैंने कई जगह बोली है कि मैं छोटी बच्ची थी, अगर मैं दोस्तों के घर जाती थी, अपनी मित्रों के घर जाती थी, तो उनके यहाँ मैं देखती थी सुंदर सुंदर शोकेस में वो चीजें, सुंदर सुंदर चीजें सजी हुई हो, और मेरे यहाँ सिर्फ किताबों की शेल्फ, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं ये भी देखती थी कि सबके पिताजी सवेरे 9 बजे 9:30 बजे टाई वाई पहन के ब्रीफ केस लेके ऑफिस जा रहे हैं, मेरे पापा घर में ही रहते थे, वो 12 बजे 1 बजे अपने उठे पढ़ रहे हैं, फिर वो दोपहर को 12 बजे निकलते थे, तो मुझे लगता और कुर्ता पहन के चले जाते थे, तो मुझे लगता था ये ऐसे क्यों ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं प्रॉपरली टाई पहन के। तो ऐसी सब चीजें थी जो एक थोड़ा रिजेंटमेंट जैसा होता था, क्योंकि उस समय समझ नहीं थी कि ये पूरा परिवेश ही अलग है। हमारे घर में बहुत लोग आते थे या ये लोग बहुत जाते थे, बहुत ही सोशल थे ये दोनों, तो खासकर पापा। तो उस समय तो अलग अलग समय में हमारे यहाँ अलग अलग ग्रुप्स का, जैसे जब हम लोग दिल्ली आए थे, शिफ्ट हुए थे, मैं बहुत ही छोटी थी, पर कुछ कुछ यादें हैं। तो पहले तो वो कमलेश्वर जी, राकेश जी, मोहन राकेश, कमलेश्वर जी और उपेंद्र नाथ अश्क, वो पास में ही रहते थे, तो वो लोग सब दुष्यंत कुमार आते रहते थे, तो इन लोगों का आना जाना बहुत, पर जो स्थायी थे वो थे कमलेश्वर जी, राकेश जी, वो लोग बिल्कुल रोज ही इन लोगों का या तो हमारे घर में मिल रहे हैं या करोल बाग में जहाँ पर कमलेश्वर जी, राकेश जी वहां मिल रहे हैं, या फिर टी हाउस एक होता था रीगल बिल्डिंग में कोने में, वहां सारे राइटर्स मिलते थे रोज, तो वो हफ्ते में 2-3 बार। और क्योंकि मैं अकेली बच्ची थी और घर में, तो मम्मी कई बार मुझे साथ में ले जाती थी, मम्मी रोज नहीं जाती थी पर जब भी जाती थी कई अक्सर मुझे साथ ही ले जाती, तो इस तरह से ये रहता था। और वही साहित्यिक बातें, हंसना, डिस्कशंस हो रहे हैं, अच्छा झगड़े हो रहे हैं, झगड़े भी बहुत होते थे जब वो बहसें होती थी, जब झगड़े का मतलब मैं बहसें, और ऐसी बहसें होती थी कि जब मैं छोटी थी मुझे लगता था अरे इतनी बहसें हो गई, ये तो अब तो लड़ाई हो गई, अब तो नहीं आएंगे ये लोग, पर अगले दिन फिर बैठ जाते थे। तो इसी तरह से फिर उसके बाद एक थोड़ा सा शिफ्ट आया, क्योंकि कमलेश्वर जी तो चले गए बॉम्बे, राकेश जी की मृत्यु हो गई, तो फिर कुछ कृष्णा सोपती पास में रहती थी, वो कभी कभी आ जाती थी। फिर एक मम्मी के कॉलेज में मिरांडा हाउस का एक जो सर्कल बना, फिर उसके थ्रू डॉक्टर निर्मला जैन, अजित कुमार चौधरी, ये लोगों का फिर एक ग्रुप बना, तो ये सब और कुछ टीचर्स मिरांडा हाउस के जो साहित्य में रुचि रखती थी, अर्चना वर्मा थी और शैल कुमारी थी, तो ये लोग सब, इनका आना जाना बहुत रहता था। फिर बीच बीच में कई शानी थे, योगेश गुप्त थे, तो बहुत सारे राइटर्स का आना जाना, बेसिकली हमारे यहाँ जिस तरह लोग आते थे, राइटर्स, लेखक, थिएटर के लोग भी काफी आते थे, थिएटर के लोग। फिर जब एक बार वो रजनीगंधा, सारा आकाश वगैरह बनी, तब तो फिर थोड़ा सा फिल्मी, बहुत फिल्मी नहीं, जैसे बासुदा आते थे, बासु चटर्जी, तो जब वो रजनीगंधा की शूटिंग यहाँ चल रही थी, या सारा आकाश तो आगरा में बनी थी, तो वहाँ तो वो यहीं रहते थे, तो रोज हमारे यहाँ ही खाना खाते थे, तो उनके साथ कभी सलिन चौधरी आ गए, तो कभी अमोल जी आ गए, तो ऐसे वो एक दौर था जो फिर, तो इसी तरह कोई ना कोई बट आर्ट कल्चर से ही जुड़े हुए लोग अधिकतर रहते थे, और बहसें होती थी, बातचीत, ये वो, और ये किया कि कभी भी ऐसा नहीं था कि औरतें अलग बैठी हैं और मर्द अलग बैठे, सब एक साथ ड्राइंग रूम में बैठ के और सब एक साथ ही रहता था, तो वो कभी नहीं रहा है हमारे। अब बात कर लेते हैं त्रिशंकु की, क्योंकि वो भी मनु जी की ही रचना है जिस पर आपने उसको डांस में, कथक में तब्दील किया, तो वो थॉट प्रोसेस क्या था और उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वो भी थॉट प्रोसेस बहुत ही एक अजीब तरह
से निकला था। थॉट प्रोसेस वो शुरू ऐसे हुआ था कि मैं किसी बात पे किसी को मैंने कुछ काम दिया था और वो थोड़ा सा शायद मुश्किल काम था या कुछ ठीक से नहीं हुआ था, तो जो हमारे यहाँ शब्द होता है ना जुगाड़, कि जुगाड़, हम लोग जुगाड़ में मुस्ताद हैं, तो जुगाड़, और जुगाड़ मतलब कि कहीं कहीं कॉर्नर्स भी कट करते हैं, जुगाड़ का मतलब ये कि वो किसी तरह कुछ कर करा के कर देते हैं। तो वो शुरू उससे हुआ था कि मैं इस बात से चिड़ी हुई थी कि हम लोग सारे समय जुगाड़ ही ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम ये कर लें और ये भी कर लें। फिर वहां से बात शुरू हुई कि हम ये चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, कि हम कुछ करें भी ना पर हमें पैसे भी मिल जाए, हम कुछ ये हम आराम भी करते रहे पर हम मस्ती भी करते रहे पर हमारा काम भी हो जाए। तो हम सारे समय अपनी लाइफ में बैलेंसेज ही ढूंढते रहते, शुरू वहां से हुआ था। फिर वो अपने ऊपर आया कि हम लोग हर व्यक्ति सारे समय अपनी लाइफ में बैलेंसेज ढूंढता है कि कैसे मैं ये भी कर लूं और वो भी कर लूं और बैलेंस पॉइंट क्या है। तो वो इससे शुरू हुआ था, उससे वो गया दो ऑपोजिट्स कि अगर मैं एकदम से आइडिया है कि क्यों ना मैं इस बैलेंस पॉइंट पे एक कोरियोग्राफी करूं, तो मैं अगर दो ऑपोजिट्स लूं जैसे रात रोशनी और अंधेरा, शांति और कोलाहल, उसका क्या बैलेंस पॉइंट है, जहां शांति कोलाहल से मिलती है वो बैलेंस पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, उसको एक्सप्लोर करना। तो दो ऑपोजिट्स का क्या बैलेंस पॉइंट, उससे शुरू हुआ। पुराना नया, तो जब पुराना नया आया तो अचानक मेरे मन में कौन था पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी और त्रिशंकु कौन था, इस तरह से ये वही एक दो साल का ये पूरा प्रोसेस था इस तरह से ये त्रिशंकु का, कि उन्होंने नई पीढ़ी और किस तरह नई पीढ़ी जो है, पुरानी पीढ़ी जो है, मेरी माँ की जो पीढ़ी है, त्रिशंकु उसी के बारे में है कि जो मेरी माँ के पिताजी और माँ और मैं, तो जो बीच की पीढ़ी है वो हमेशा एक लटकी रहती है, जैसे त्रिशंकु लटका हुआ था आसमान और पाताल के बीच में, तो वो बीच में इधर कभी इधर कभी उधर, कि मैं ट्रेडिशनल हूँ पर मैं मॉडर्न अपने बच्चों को बड़ा करना चाहती हूँ, पर मैं मॉडर्न हो गई तो फिर बच्चा तो ज्यादा ही हाथ से निकल रहा है तो फिर वापस खींचो, इसी में लगे रहती हैं हम लोग। और हम आप भी जब आप छोटे थे तो आप नई पीढ़ी माने जाते थे, आज आप बीच की पीढ़ी हैं, कल को आपके बच्चों के बेटे होंगे तो आप पुरानी पीढ़ी हो जाएंगे, तो वो तो एक पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस, और बीच की पीढ़ी कैसे किस तरह से सारे समय इसी में लगी रहती है कि क्या बैलेंस पॉइंट है, मैं कहाँ पर अपने, और उसका अफेक्ट क्या होता है बच्चे पे होता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई मेरी माँ लिबरल है या ट्रेडिशनल है, कभी तो वो बोलती है हाँ हाँ तुम जाओ ये करो वो करो, फिर मैं जब जाती हूँ तो खींच लेती है कि नहीं नहीं थी तो तुम ज्यादा चले गए, तो कौन डिफाइन करता है ज्यादा क्या है, किसकी डेफिनेशन है कि ये सीमा से पार है, सीमा कौन डिफाइन करता है, मेरी माँ करती है पर वो ही नहीं कर पा रही है सीमा, उसकी भी सीमा रोज बदलती रहती है, आज वो बोलती है ये सीमा है कल वो बोलती है वो सीमा, तो उसके बारे में था। और उसमें भी मैंने जब मैं ये दिखाना चाहती थी कि तो ये जब त्रिशंकु कहानी को मैंने नहीं नृत्य नाटिका में बदला, उस थॉट को कि पुराने और नए के बीच का जो ये टग ऑफ वॉर चलता रहता है वो उसको मैंने किया, और जब मैंने मेरा पीस शुरू होता है पुरानी पीढ़ी से, मैं पुरानी पीढ़ी को दिखा रही हूँ, और मेरे दिमाग में कौन है ध्रुपद, क्यों ध्रुपद मुझे नहीं मालूम, पर कि मुझे ध्रुपद यूज करना है इसके लिए पुरानी पीढ़ी को दिखाने के लिए। तो मैंने बहुत सारे, मैंने गुंडेचा बंधुओं के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देखे, एक डेढ़ साल मैंने उनके बहुत, फिर मैंने फाइनली उनको अप्रोच किया म्यूजिक के लिए, तो फिर उन्होंने म्यूजिक किया। तो अगर आपने शायद देखा है त्रिशंकु, अगर उसमें जो शुरू का पीस है वो पूरा ग्राउंडेड है और सब हमेशा एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वो बेसिकली ट्रेडिशंस, हमारी हमारी जो परंपराएं हैं वो हमें बांधे हुए हैं, वो ये सिग्निफाई करता है, उसमें से एक जना निकलने की कोशिश कर रहा है, वो निकलता है, निकलती है उसको वापस खींच लेते हैं, उसको वापस आके बांध लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे पहला अधिकतर वो जमीन पर बैठ के ही पीस शुरू होता है, कि वो एक परंपरा की जो ग्राउंडिंग है, और सारे समय हाथ सबके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, वो परंपरा है जो पकड़े हुए, फिर फाइनली एक निकल जाती है, तोड़ के निकल जाती है, जैसे मेरी माँ ने परंपराएं तोड़ी, अपने नाना से, मेरे नाना से लड़ी और उन्होंने परंपराएं तोड़ी और तोड़ के वो आगे निकली, तो वो एक उसको सिग्निफाई करती। फिर जब उसकी बेटी होती है तो वो शुरू में तो बेटी उसका बिल्कुल एक परछाई है, जो वो करती है माँ वो बेटी करती है, पर जब बेटी का अपना अस्तित्व बनने लगता है धीरे धीरे, उस वो एकदम पीछे दोनों साथ डांस कर रहे हैं एकदम एक जैसे, फिर धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व बनता है, तब झगड़े शुरू होते हैं।
तो जब तक माँ का पल्ला पकड़े हुए हो तब तक ठीक है, पर जहां पर अपना अस्तित्व बनाना शुरू हुआ वहां माँ की ओर से एक रेजिस्टेंस आता है। तो इसी तरह ये पीस है, और अंत में वो माँ जो है वो पुराने और नए के बीच में एक पेंडुलम की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वहां पर पीस एंड हो जाता है। तो उसमें भी म्यूजिक जी उसका भी आप बताइए। नहीं, उसमें भी म्यूजिक शुरू में गुंडेचा ब्रदर्स का था, बाद में समीउल्लाह खान का था, जहां पर थोड़ा सा जो आधुनिक पीढ़ी को दिखाने का और था, तो वो इस तरह से बनी थी, उसका थॉट प्रोसेस ये था। उसकी भी एक झलक देख ही लेते हैं, अब इतनी बात हो गई है तो। जी बिल्कुल। अच्छा, अब रचना जी इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले आखिरी सवाल शायद थोड़ा सा ट्रिकी भी है, पेचीदा है थोड़ा सा। अब जब आप कथक सिखा रही हैं और आपके पास यंग जनरेशन आती है कथक सीखने के लिए, अलग अलग उम्र के लोग आते हैं, क्या करना है ये तो आप बताती ही होंगी, क्या नहीं करना है ये कभी आपने उनको बताया है क्या? और अगर बताया है तो वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है? एक तो मैं ये बता दूं, हाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं सीखने, पर पिछले 3-4 साल में मैंने ये ट्रेंड देखा है कि हमारे यहाँ अडल्ट्स के एडमिशन ज्यादा होते हैं बच्चों से। ये जो शुरुआत बच्चों से हुई थी पहले 10-8-12 साल सिर्फ बच्चे बच्चे बच्चे, पर एक वो अडल्ट्स का जब सिलसिला शुरू हुआ तो आज जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा अडल्ट्स हैं, करीब 40 अडल्ट स्टूडेंट्स हैं और शायद 26-27 बच्चे हैं, और नए एडमिशन भी अडल्ट्स की इंक्वायरीज ज्यादा आती है। तो अब इतने, क्योंकि मैं अब हंस भी संभालती हूँ और ये सब है, तो बच्चों वाली क्लासेस अब मेरी एक और डांसर मित्र है, चीकू भैया की शागिर्द है, वो लेती हैं मेरे इंस्टीट्यूट में आके क्लासेस, अडल्ट्स की मैं लेती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले जब वो आते हैं मेरे पास, मैं अपनी बात ही इसी से शुरू करती हूँ कि क्या नहीं करना है। तो और ये सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखिए, आप आए हैं सीखने इसलिए नहीं आए क्योंकि आपकी मम्मी आपको लेके आई है। एक 5 साल का बच्चा तो इसलिए आता है क्योंकि उसकी मम्मी चाहती है कि क्लासिकल सीखो, तो वो उसको कुछ नहीं पता है कि वो क्यों आया है, पर आप सोच समझ के आई हैं। तो आप सोच समझ के आई हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि क्लासिकल
आर्ट फॉर्म हॉबी नहीं हो सकता, इट इज मोर देन अ हॉबी। तो अगर आप इसको कि मैं बहुत थकी जाती हूँ और डिस्ट्रेस करने के लिए बस मैं थोड़ी देर आके नाचना चाहती हूँ और तो आज नाच लूंगी, कल मुझे असल में कहीं जाना है, शॉपिंग जाना है, तो आज मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगी, तो आप मत आइए। उसको आप अगर हॉबी की तरह अप्रोच करेंगे तो आपका फिर वो पूरा उसकी तरफ जो आपका दृष्टिकोण होगा वो वही होगा कैजुअल, कि ठीक है जब हुई क्लास तो कर ली, नहीं हुई तो नहीं करी। ठीक है, इमरजेंसीज होती हैं, इस बात को मैं बिल्कुल अच्छी तरह पहचानती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप लोग बहुत, और ये सब बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब्स की, हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव्स और ये सब हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉरपोरेट मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं, ये सब उनका मैं बहुत, मुझे इस बात का मैं आपकी आदर करती हूँ कि आप लोग इतना मेहनत करके और फिर भी ये सीखना चाहते हैं, पर अगर ये सीखना चाहते हैं तो इसमें भी उतनी ही मेहनत लगेगी। तो कभी कोई इमरजेंसी हो, घर में कोई ऐसा हो, वो अलग बात है, पर अगर आप हर तीसरा क्लास में एब्सेंट होंगे तो मत आइए। अगर आप इसको हॉबी की तरह लेंगे, क्योंकि ये एक साधना है, आपको चाहे आप हफ्ते में दो ही बार आती हैं, पर वो दो बार आप बहुत सिंसियरली आके सीखिए। तो अगर आप ये कर सकती हैं तो आप तभी आइए, क्योंकि मैं भी अपने आप को उंडेल देती हूँ आपको सिखाने में। तो अगर मैं अपने आप को उंडेल देती हूँ और अगर आपकी तरफ से मुझे एक कैजुअल रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर ना मुझे मजा आएगा ना। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इसको इस तरह से, ये अगर तो मत आइए। दूसरा, मैं कई, मुझे महिलाएं फोन करके बोलती हैं कि मैं, यू नो आई एम 40 इयर्स ओल्ड, कैन आई डांस, इज इट टू लेट? और बोलती हूँ नहीं, बिल्कुल लेट नहीं है। अगर आप ये सिर्फ एक नंबर है, आपको अगर करना है तो अगर आप अपने मन में ठान ले, दिमाग में ठान ले कि करना है तो आप करेंगे। पर अगर आप 40 साल से शुरू कर रही हैं तो आप ये याद रखिए कि जो 40 साल आपने खोए हैं, क्योंकि मैं इससे गुजरी हुई हूँ, उसका सारा भुगतान अभी करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब ये, और करती हैं, जो मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सिंसियर हैं, बल्कि वो मुझे बोलते रहते हैं मैम अभी भी सिखा दो, रात को हमारी क्लासेस रात को होती है 7 बजे के बाद अडल्ट की, अगर मैं ना बंद करूँ तो वो तो 10-10 बजे तक घर ना जाए वो। तो उस तरह से मुझे लगता है कि जो ये मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या नहीं करना है उससे शुरुआत करती हूँ, वो काम करता है और वो उनको समझना जरूरी है कि ये नहीं करना। दूसरी चीज है कि वो खैर क्या करने के दायरे में आ जाता है कि अगर आप अडल्ट हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं और आप बिजी हैं, आपको फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप उसको कैजुअली नहीं ले सकते हैं। और क्योंकि एक तो डांस अपने आप में बहुत एनर्जी खाता है, ऊपर से आप, ये परफॉर्मिंग आर्ट है, आप स्टेज पे होते हैं, तो एस्थेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहना है तो क्या हो गया, हम तो ऐसे ही हैं, नहीं, आप इतने सारे लोगों को आपने बुलाया जो आपको देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ध्यान देना। तो अगर आप अपने वो नहीं कर सकते हैं तो मत डांस करें, क्योंकि वो फिर एक तरह से इस आर्ट के साथ थोड़ा खिलवाड़ हो जाता है। तो जब मैं फिजिकली फिट, मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, आप स्ट्रांग होने चाहिए, अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए। फिजिकली फिट मतलब एक बॉडी में, मसल्स में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपना डांस को ग्रेसफुली निभाओ। थोड़ी देर में आप हाँफने लगे स्टेज पे तो वो नहीं अच्छा लगता है। तो अपना स्टैमिना बिल्ड करने के लिए, अपनी स्विफ्टनेस बिल्ड करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। वो अगर उसको करने के लिए तैयार है तो आइए। जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए आखिरी के 5-6 मिनट तो बहुत ही कमाल के हो गए, क्योंकि उनको ये भी पता चल गया है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, आपने समय निकाला, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुतियां हमने देखी और उनके साथ उस प्रोडक्शन के पीछे की जो कहानी है या उसकी जो सोच है वो कैसे डेवलप हुआ उस पर आपने जो बताया, उससे निश्चित तौर पर उसे समझने में, उसे देखने में और आनंद आया हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद और रागगिरी की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नृत्य का सफर तो चलता ही रहे और हंस की जो आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है वो भी खूब अच्छे से चलती रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैं आपके अलग अलग कार्यक्रम देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, आप भी बहुत ही सक्रिय हैं इस फील्ड में। अब अनफॉर्चुनेटली अब 2-3 साल तो सबके ऐसे ही चले गए हैं,
पर आशा रखते हैं कि आगे चीजें बेहतर हों और आप वापस अपने कार्यक्रम, इतनी आप वर्कशॉप्स करते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो उसमें आप प्लीज सक्रिय बने रहें, आप जैसे लोगों को की आवश्यकता है कला जगत को, नहीं तो कला तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कला तो फिर खत्म सी हो जाएगी, तो आपकी संस्थाएं, आप जैसी संस्थाएं, आप लोग प्लीज इसको ना छोड़ें और जितना करते रहे, कलाकार के प्रति ये आपका सबसे बड़ा योगदान है, तो वादा है इसमें कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। दो साल में भी जब लॉकडाउन हुआ उस दौरान भी हमने राजगिरी की तरफ से इंटरव्यू सीरीज ही नहीं बल्कि नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर हमने एक कॉमिक सीरीज शुरू की जो 14 साल तक के बच्चों के लिए नेहरू बाल पुस्तकालय उनकी सीरीज है, उसमें हमने उनके साथ भीमसेन जोशी जी पर कॉमिक्स लिखी, बिस्मिल्लाह खान साहब पर लिखी, पंडित रविशंकर जी पर लिखी, और चौथी, ये तीनों कॉमिक्स आ चुकी हैं NBT से, और चौथी जो है वो MS सुबलक्ष्मी पर है जो अभी प्रकाशन प्रक्रिया में है। तो कोशिश यही है कि संगीत को लेकर जितनी अवेयरनेस ले आ सकें समाज में, उसको हम अपनी जिम्मेदारी की तरह से करते हैं। बिल्कुल, और ये जरूर इसका आपको खुद आप फील करेंगे, इसका फल मिलेगा, मतलब इसका क्या असर हो रहा है लोगों पे, ये समय लगता है क्योंकि कला ऐसी चीज है कि सीखने में भी समय लगता है और समझने में भी समय लगता है, तो जितना समय एक कलाकार को लगता है उतना ही समय एक श्रोता या दर्शक को भी उसको अपने सिस्टम में लाने में लगता है, तो पर अगर हम सब इकट्ठे लगे रहेंगे तो कला वापिस क्या, मैं मुझे लगता है कि रहेगी हमेशा ही, भारत का तो एक ये मेन हमारा कल्चरल हाईलाइट है, हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, तो उसको तो हमें बचा के रखना ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, नमस्कार।